खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सर, आपने देखा एग्जिट पोल के नतीजे, उत्तर प्रदेश में तो महागठबंधन काफी नुकसान पहुंचा रहा है बीजेपी को। मुझे लगता है कि एग्जिट पोल एक बहुत अच्छा मनोरंजन है जो खूब सब चैनलों पर आजकल हो रहा है, और असलियत क्या है वो तो 23 तारीख को सामने आएगी जो क्या स्थिति है। लेकिन ये कि अगर आप अतीत में देखें तो 80% एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, चाहे हमारे लिए अच्छे हों चाहे हमारे लिए खराब हो। अगर आप पिछले विधानसभा के एग्जिट पोल देख लें तो हमें लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब जगह हरवा रहे थे, लेकिन वहाँ सरकारें बन गई। इसलिए जो है एग्जिट पोल के बेसिस पे हाँ थोड़ी देर के लिए आदमी खुश भी हो सकता है, थोड़ी देर के लिए दुखी भी हो सकता है, लेकिन जो है मुझे लगता है कि पूरी एक जो है पिक्चर इस तरह की रखी जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा कि हमने एबीपी भी देखा और ये सब, कि हंग पार्लियामेंट के ज़्यादा आसार हैं, ऐसी संभावना मुझे लगती है। अब यह है कि 23 तारीख को इसके असलियत पता लगेगी। सर, आप तो खुद पत्रकार रहे हैं, आप देंगे मतलब सैंपल होता है, काफ़ी लोगों से बात की जाती है, उसके आधार पे आंकड़े आ रहे हैं। महाराष्ट्र में यूपीए 14+ पे है, यूपी का मैंने आपको बताया, लेकिन कांग्रेस सर कोई बहुत अच्छा करते हुए नज़र नहीं आ रही। नहीं नहीं, कांग्रेस अच्छा करेगी, आप देखेंगे नतीजे में कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी, जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा। असली रिजल्ट तो है नहीं है, ये तो इधर उधर से मतलब एक छोटे से सैंपल साइज से होता है, इसलिए ज़्यादातर गलत होते हैं और फिर माफ़ी मांगने का दौर शुरू होता है चैनलों पर कि हमारा एग्जिट पोल जो नहीं निकला और हम जो इसके लिए क्षमा याचना करते हैं। आपको लगता नहीं कि एबीपी का जो एग्जिट पोल है वो नियर, एबीपी का एग्जिट पोल मुझे इन सब से बाकी एग्जिट पोल से ज़्यादा करीब नज़र आता है वास्तविकता के, और बाकी असलियत जो है वो इससे भी बेहतर होगी विपक्ष के लिए। गुजरात में सिर्फ 2 सीटें आ रही हैं इस एग्जिट पोल के आधार पर, कोई तो 2 भी नहीं दे रहे, सब साफ बता रहे हैं, तो उससे मैं सहमत नहीं हूँ।